नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। यातायात जागरूकता का एक अनूठा संदेश देखने को मिला। बारातियों को यातायात नियम की दी जानकारी। जोधपुर में यातायात नियमों की पालना को लेकर यातायात पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान यातायात सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में यातायात जागरूकता का एक अनूठा संदेश देखने को मिला, जिसमें यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल खेत सिंह ने एक अनूठी पहल करते हुए एक विवाह समारोह के दौरान जब उपस्थित हुए तो वो अपने कर्तव्यों की पालना करने से नहीं चुके। इस दौरान विवाह समारोह के दौरान ही एक अनूठा नवाचार करते हुए बारातियों को यातायात नियम की जानकारी दी। यही नहीं, बकायदा विवाह समारोह में दिल्ली विक्रम सिंह ने अपने हाथों से सभी बारातियों को यातायात नियमों की पालना करने हेतु टेम्पलेट बांटे तथा अपनी बारात में आए सभी वाहन चालकों को निर्धारित गति से वाहन चलाने हेतु विशेष रूप से समझाइश दी गई। खेत सिंह यातायात पुलिस में हेड कांस्टेबल है। वो अपने कार्य के प्रति बहुत कर्मठ एवं जागरूक भूमिका निभाते हैं। वे सभी विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में भी यातायात शिक्षा की कक्षाएं लेते हैं और यही कोशिश करते हैं कि बच्चों में भी यातायात नियमों के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाई जा सके। अनूठी पहल जो ट्रैफिक सड़क सुरक्षा माह जो चल रहा है और मेरे जो सीनियर अफसर है श्रीमान सीपी सर, श्रीमान हमारे जो ट्रैफिक के डीसीपी सर वो एडीसीपी सर ट्रैफिक, इनके निर्देशानुसार जो जोधपुर शहर के अंदर यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए हम हर शहर के सर्कल पे और स्कूलों में भी जानकारी दी जा रही है। और कल मैं मेरे जो परिवार में जो विवाह समारोह थे वहाँ मैं गया था, तो वहाँ बारात जा रही थी तो मैंने एक उचित समझा कि जो बारात में 40-50 व्हीकल हो जाते हैं, उन व्हीकलों के जो युवा ड्राइवर होते हैं वो बहुत तेज़ गति से वाहन चलाते हैं और एक दूसरे आपस में कंपटीशन करने के लिए तेज़ वाहन चलाते हैं और हाईवे पे जो ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो उनको समझाया कि वाहन आप धीरे चलाएं और सीट बेल्ट लगा के वाहन चलाएं। तो वहाँ के जो मौजूद गणमान्य लोगों ने इस अनूठी पहल की बहुत ही प्रशंसा की और विश्वास भी दिलाया था कि हम हमारे गांव से जब भी कोई बारात जाएगी तो पहले ये यातायात शिक्षा की जानकारी देके फिर बारात को रवाना करेंगे और मेरे द्वारा जो यातायात नियमों की पालना के लिए जो अपील की गई उसकी बहुत ही प्रशंसा की।